Hello everyone, welcome back in today's class. Let us begin with exercise 1.1, chapter 1, sets. Okay, question number 1 में, which of the following are sets? मतलब question number 1 में हमें कुछ statements given है, हमें बताना है कि इनमें से कौन से sets हैं and justify your answer. और हमें अपने answer को फिर justify भी करना है कि वो हमारे पास set है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. See, हमारे पास यहाँ पे क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे. इसमें हमें क्या करना है कि सारे मंथ्स का, सारे वो मंथ्स जो जे लेटर से शुरू होते हैं, तो ये तो हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, सेट भी फाइनाइट है, प्लस ये जो है वो वेल डिफाइंड भी है, हर एक के लिए सेम रहेगा. जैसे जनवरी, जैसे आपके पास क्या रहता है जून, जैसे आपके पास क्या रहता है जुलाई. कुछ मंथ्स ऐसे आपके पास होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो आप उन मंथ्स का यहाँ पे कलेक्शन कर सकते हो. तो ये एक वेल डिफाइंड सेट के डेफिनेशन के अंडर आता है. तो इसमें आप स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, ये आपके पास सेट आता है क्योंकि ये आपके पास एक वेल डिफाइंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है. इसके जो आंसर्स होंगे वो हर स्टूडेंट के लिए सेम रहेंगे. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया. देखो, मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक वेल डिफाइंड सेट कभी नहीं होता. रीजन बीइंग, क्योंकि मेरे लिए जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर मी, इट कैन बी डिफरेंट फॉर अदर्स. मेरे लिए जो टैलेंटेड है राइटर वो कोई और हो सकते हैं, बट एक सेकेंड पर्सन के लिए वो जो टैलेंटेड राइटर है वो कुछ और हो सकते हैं. तो जी, मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है आपके पास, इसका मतलब ये जो होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मेरी नज़र में मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन सा है. हो सकता है वो दूसरे की नज़र में मोस्ट टैलेंटेड राइटर ना हो, तो इसमें वेरिएशन आने के चांसेस हो सकते हैं. तो इसमें हम वेल डिफाइंड वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते. और सेट की डेफिनेशन के अंदर तो आता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या हमारे पास जो नंबर्स होता है उसका, तो इसमें ये नहीं आएगा. नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. वही सेम बात है कि इसके वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, वो मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं, किसी सेकेंड पर्सन के लिए विच इट कैन बी डिफरेंट. तो यहाँ पे भी हमारे पास जो सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है. हमारी पहली बात तो ये सेट ही नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड वर्ड यहाँ पे सूट नहीं होगा. ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन आपके पास ये चीज़ जो होंगी वो वेरी करेंगी, तो इसको हम सेट के अंडर नहीं ले सकते. नेक्स्ट, आपके पास जो फोर्थ आता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अगर आप अपनी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से बॉयज़ का अगर आप कलेक्शन बनाना चाहो, तो स्टूडेंट ये आपके पास एक वेल डिफाइंड बनेगा. क्यों? क्योंकि जो बॉयज़ हैं आपकी क्लास के लिए, अगर आप उसका एक सेट बनाते हैं तो भी वो सेम ही रहना है, अगर कोई और बच्चा बनाता तो भी सेम रहना है. नंबर आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर तो इसमें वैसे भी इमेटीरियल होता है. हमने स्टार्टिंग में पिछली वीडियो में किया था कि इसमें जो ऑर्डर होता है वो इमेटीरियल, मतलब नंबर आगे पीछे हो सकते हैं हमारे पास. तो ये आपके पास एक सेट आएगा क्योंकि ऑल बॉयज़ आपकी क्लास के वो सेम ही रहने, बदलने नहीं है. इट विल रिमेन सेम फॉर एवरीवन. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. सारे जो नेचुरल नंबर 100 से लेस है उसका कलेक्शन, वो भी सबके लिए सेम रहना है. नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 2 3, और इसमें आपके पास कहाँ तक आ जाएंगे, आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, 100 तक पहुँच जाओगे. 100 से लेस ही बोला इसने, 100 को मत लेना. तो ये भी आपके पास एक सेट है. आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ नोवल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नोवल है, अगर मुझे उसका कलेक्शन बनाना है, तो जो कलेक्शन मैं बनाऊंगी वो भी बिल्कुल सेम होगा, जो कलेक्शन आप बनाएंगे वो कलेक्शन भी बिल्कुल सेम होगा. क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की तो जो नोवल्स हैं वो तो फिक्स है हमारे पास. फिक्स मतलब हम सबको पता है कि वो कौन सी नोवल है. अगर उन सारी का कलेक्शन बनाना है तो स्टूडेंट उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. हाँ, नंबर जो मैं पहले लिख देती हूँ, हो सकता है आप उसको बाद में लिख दें, या जो आप पहले लिखते हैं हो सकता है मैं उसे बाद में कर दूं, बट आपके पास जो लिस्ट है वो चेंज नहीं होगी. ऑर्डर इमेटीरियल है, आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है सेट के अंदर. तो इसमें आपका यस आएगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. आपके पास ऑल इवन इंटीजर का कलेक्शन, मेरा भी सेम ही है. मेरे पास भी इवन नंबर का डेफिनेशन सेम होती है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2. आपके पास भी जो इवन इंटीजर की डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, तो हमारे जो नंबर होंगे वो भी सेम ही आने हैं. ये भी आपके पास सेट की कंडीशन को फुलफिल करेगा. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसका अगर कलेक्शन करना, वो भी वेल डिफाइंड है. जितने मेरी बुक में क्वेश्चंस हैं उतने ही आपकी बुक में भी क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे, वैसे तो हमारा तो इसमें इस केस में तो नंबर भी आगे पीछे नहीं हो रहा, तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उसका कलेक्शन भी हम लोगों के लिए बिल्कुल फिक्स है, फाइनाइट है, वेल डिफाइंड है. तो ये सेट की कंडीशन के अंदर आएगा. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस. ये फिर से देखो, मोस्ट डेंजरस आ गया. अब भाई, मोस्ट डेंजरस जो एनिमल है वो मेरे लिए हो सकता है स्नेक हो, बट हो सकता है स्नेक से और किसी को डर ना लगता हो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लीजर्ड से ज़्यादा डर लगता है,
पर हो सकता है मुझे लिजर्ड से डर ना लगता हो। तो ये मोस्ट डेंजरस वाली जो डेफिनेशन होती है ना, ये सबके लिए अलग अलग रहती है। तो इस केस में आपके पास मोस्ट डेंजरस एनिमल जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, तो ये सेट के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में इसके बारे में हमने थोड़ा सा अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। ए आपके पास एक सेट है और ये क्या है, उसके एलिमेंट्स है 1 से लेकर 6 तक। हमें क्या करना है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल आपके पास किसका था, बिलोंग्स टू का। और अगर इसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये सिंबल आपके पास बन जाता है डजंट बिलोंग का इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आपको बताना है कि आपको इसमें बिलोंग्स टू का सिंबल डालना है या डजंट बिलोंग का सिंबल डालना है। देखिए, 5, क्या 5 ए के अंदर है, क्या 5 जो लेटर वर्ड है आपके पास, जो नंबर है, क्या वो ए के अंदर कंटेन होता है? अगर आपको दिखाई दे तो आप क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू, करता है बिलोंग। 8, क्या 8 नंबर है कहीं पे हमारे सेट के अंदर? नहीं है। तो स्टूडेंट आप इसको कैसे कर देंगे, डजंट बिलोंग टू। 0 है कहीं इसके अंदर? नहीं है। तो स्टूडेंट आप इसको डजंट बिलोंग कर देंगे। 4 आपके पास अंदर है? यस, सेट के अंदर है, तो आप 4 को कर देंगे। 2, यस, 2 भी इसके अंदर है, तो आप ऐसे कर देंगे। 10 उसके अंदर नहीं है, तो 10 डजंट बिलोंग टू सेट ए, ए के अंदर वो बिलोंग नहीं करता। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो, हमने रोस्टर फॉर्म का प्रीवियस वीडियो में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। एक रोस्टर फॉर्म हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किया था कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो होता है उसकी रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है उसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें सेट बिल्डर दे रखी है। देखो, जब डेफिनेशन की फॉर्म में हमें सेट दिया जाता है तो वो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। हमें बनानी कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट, हमें बनानी है रोस्टर फॉर्म। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। x एक इंटीजर है एंड x की जो वैल्यू है वो -3 से तो ग्रेटर है और 7 से लेस है। तो स्टूडेंट आप इसका सेट कैसे बनाएंगे, देखो a -2, इससे बड़ी होनी चाहिए -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आप कहाँ पे जाकर रुक जाएंगे, आप 6 पे जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि ये 7 से छोटी वैल्यू है ना। और इंटीजर 7 से छोटा कौन सा होगा, 6 ही होगा हमारे पास। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट, ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, जिसमें हम लिस्टेड फॉर्म में करते हैं। ठीक है, लिस्ट बना देते हैं, हमने पढ़ा था ना लिस्टेड फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट, x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम इसको b लिख देते हैं, और नेचुरल नंबर जो 6 से लेस है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, 1 से, 1, 2, 3, 4 and 5, लेस देन बोला था ना, तो हम 6 को तो नहीं ले सकते इसमें, इक्वल टू बोलते तो हम 6 को कंसिडर करते, लेस देन बोला तो हम 5 पे जाके रुक जाएंगे। यहाँ पे x एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर भी होना चाहिए और दोनों डिजिट का सम 8 भी आना चाहिए। हम शुरू कर लेते हैं, देखो 1 के साथ मैं क्या डालूँ कि 8 बन जाए, 7 बन गया 2 डिजिट का नंबर। अगला नंबर लिख लो 2 के साथ मैं यहाँ क्या लिखूँ कि दोनों का सम 8 बन जाए, मैंने लिख दिया 6। अब मैंने अगला नंबर लिखा 3, देखो 3 के साथ मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, 5। देखो 3 + 5 = 8, 6 + 2 = 8, 7 + 1 = 8। अगला नंबर मैं 4 लिख रही हूँ, 4 के अंदर क्या डालूंगी, 8 बन जाए, 44। अब इनको रिपीट करो, देखो 44 को रिपीट करने से तो 44 ही बनना है, इसको रिपीट कर लो, 53 वो भी 80 देगा, 62 वो भी 80 देगा, 71 वो भी आपको 80 देगा, और स्टूडेंट एक 8 और 0, हमने इसमें 08 नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बात कैसे नंबर की हो रही थी, 2 डिजिट नंबर की। और अगर मैं गलती से 08 लिख दूंगी तो 08 तो मेरे पास 1 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ये आपके पास वो नंबर हैं, 2 डिजिट के वो नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का सम आपके पास 8 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट, इसका डी पार्ट देख देते हैं। एक्स एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्टूडेंट वो नंबर जो अपनी और 1 की टेबल से ही डिविजिबल होते हैं, विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 के डिवाइजर है, मतलब जो 60 को डिवाइड कर पाते हैं। तो आप इसको लिखेंगे D। देखो, प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। एक तो 2 जो 60 को डिवाइड कर पाएगा, 3 देखो प्राइम भी होना चाहिए और 60 को डिवाइड भी करता होना चाहिए, 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। उसके बाद 5 आएगा स्टूडेंट, 6 आपके पास प्राइम नहीं कॉम्पोजिट आ जाता है। उसके बाद वाले आप जितने भी नंबर्स लिखेंगे
जो 60 को डिवाइड करते होंगे वो प्राइम नहीं होंगे, तो प्राइम सिर्फ आपके पास ये तीन ही होकर रह जाएंगे। चाहे तो आप इसको ट्राई कर ले आगे, क्योंकि देखो 6 की टेबल में भी आता है बट 6 प्राइम नहीं है, फिर उसके बाद 10 की टेबल में आएगा 10 भी प्राइम नहीं है, उसके बाद 20 की टेबल में आएगा वो भी प्राइम नहीं है, 15 की में आता है वो भी प्राइम नहीं है, आपके पास 20 की में आएगा वो भी प्राइम नहीं है, 30 की में आएगा वो भी प्राइम नहीं है। तो ये तीन ही नंबर आपके पास ऐसे हैं जो प्राइम भी है और जो 60 के डिवाइजर भी हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने वर्ड होते हैं उनका सेट बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, हमने कहा था ना, एक चीज़ फिर से रिपीट करा देती हूँ, लेटर्स जो होंगे वो रिपीट नहीं होंगे, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। देखो टी आर आई जी ओ, अभी तक देखो कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, एम ओ रिपीट हो गया, इसको नहीं लेना दोबारा से, एम ले लो, ई ई भी रिपीट नहीं हुआ है, ई टी आ चुका है, आर आ चुका है, अब आप क्या ले लेंगे यहाँ पे वाई, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जो लेटर दो बार आ रहा है वो दो बार नहीं लिखा जाता सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म में, तो ये इसके सेट लेटर का क्या बन जाएगा, आपके पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे ही आपके पास द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड बैटर, बैटर जो वर्ड है देखो एफ, ये आपका क्या सेट का नाम था, यहाँ से देख लिया हमने, और इसको हम कैसे लिख देंगे बी, ठीक है एक बार आया, ई लिख देते हैं, फिर टी लिख देते हैं, यहाँ तक तो कोई रिपीटेशन नहीं, फिर टी रिपीट हो गया लिखा नहीं जाएगा, ई फिर रिपीट हो रहा है वो भी नहीं लिखा जाएगा, और स्टूडेंट लास्ट में आपका क्या बचेगा आर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा बी ई टी आर, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। राइट द सेट बिल्डर फॉर्म, अब आपको रोस्टर दे रखी है ना, पिछले क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर दे रखी थी, रोस्टर बनवाई थी, अब आपको रोस्टर देके सेट बिल्डर फॉर्म बनवाएंगे वो, देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, एक्स जो है आपके पास स्टूडेंट वो क्या है, वो एक थ्री का मल्टीपल है, या तो आप लिख सकते हैं एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री और उसकी वैल्यू 12 से कम रहनी चाहिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3d, x क्या है आपके पास 3d, और आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि जो d है आपके पास उसकी जो वैल्यूज आपके पास रहेंगी, d की वैल्यू ग्रेटर देन तो 1 रहेगी और लेस देन आपके पास क्या रहेगी 4 रहेगी, नहीं इक्वल टू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो d की वैल्यू आपके पास रहेंगी वो रहेगी 1, 2, 3 और 4, लेस देन का मतलब है क्योंकि इससे तो ग्रेटर ही जा रही है, तो देखो 1 रखेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 बन जाए 3, अब आपने 2 रखा तो 6 बन रहा है, 3 डी को 3 रखा तो 3 3 9 बन रहा है, और 4 रखने पे 12 जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट था। ठीक है, तो देखिए ये इसकी रोस्टर फॉर्म इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे रोस्टर फॉर्म बनानी है स्टेटमेंट की फॉर्म में, डेफिनेशन की फॉर्म में। अगले को देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स, स्टूडेंट एक बार इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 होता है, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, पहले ना इसको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, है ना, स्टडी कर लेते हैं कि ये दिया क्या है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो x किस तरीके से गिवन है, x सच दैट कि x जो है वो x की पावर 2 है। ठीक है, x की पावर कितनी, सॉरी 2 की पावर x आ जाएगा ना, 2 की पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि देखो पावर्स चेंज हो रही है, बेस तो सेम है, जो चीज़ सेम है उसको तो सेम लिख लिया, जो वेरी हो रही है वो वहाँ पे लिख लिया हमने। ठीक है, आप चाहो तो इसको x मत लिखो क्योंकि x हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट इट एज 2 raised to the power n, इसको 2 raised to the power n लिख लेते हैं, और n की जो वैल्यू है स्टूडेंट देखो वो कहाँ से कहाँ तक है, n जो है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लास्ट में आप मेंशन कर देना n जो है इज़ अ नेचुरल नंबर, या अगर और भी शॉर्ट लिखना तो आप ऐसे लिख सकते थे n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन आपको पता ही है, कैपिटल एन आपका कैसा होता है, आपका नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, करने से पहले एक बार इसको भी डिकोड कर लेते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर आपके पास 3, 5 की पावर आपके पास क्या बन रही है 4, तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा द सेट ऑफ होल एक्स सच दैट, देखो बेस सेम है, हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, पावर्स चेंज हो रही हैं, एन लिख लेंगे, एन जो है उसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है, 1, 2, 3 कोमा आपका 4, आप यही लाइन दोबारा भी लिख सकते हैं, एक्स एन आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है और एन बिलोंग्स टू एन, सेम आ जाएगा आपके पास। एक बार इसकी डिकोडिंग कर लेते हैं, 2, 4, 6, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, 2, 4, 6 ये आपके पास है इवन नंबर्स, देखो इवन नंबर है आपके पास, और कहाँ तक जा रहे हैं आपके पास इवन नंबर्स, एंडलेस है, तो आप इसको लिखने का तरीका देखिए, एक्स
सच दैट एक्स इज एन, इज एन आप इसको क्या लिखेंगे, आपके पास ये आ जाएगा इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल और नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, ये आपके पास एक बार इसको ध्यान से देखें, इसको आप 1 की पावर 2 लेके चल सकते हैं। अगला 4, किसकी पावर 2 होता है स्टूडेंट, 2 की पावर 2, है ना। पहले ना हमें डिकोडिंग पता होनी चाहिए कि गिवन क्या, तभी हम उसके सेट बिल्डर बना पाएंगे। 3 की पावर 3, और लास्ट आपके पास क्या है, 10 की पावर 2। तो इसको लिखने का तरीका देखो कैसे बन जाएगा। अब पहले तो हमें देखो यहाँ पे पावर को चेंज किया था, आपकी बार पावर तो सेम है, सबकी पावर 2 बेस चेंज हो रहे हैं। द सेट ऑफ होल एक्स सच दैट एन रेज टू द पावर 2, एन क्या है नेचुरल नंबर, और फिर यहाँ पे एन को लिख सकते हैं, एन की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 से लेके आप कितना लिख सकते हैं, एन की वैल्यू 10, और फिर ब्रेसिस को कर देंगे क्लोज, ठीक है। आई होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना आ गया होगा कि कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म को बनाते हैं। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम 4 क्वेश्चन तक डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट प्लीज डू नॉट लाइक टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।